गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज काशिफ। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल सोनू वर्ल्ड। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले NSDL पेमेंट्स बैंक के बारे में। जैसा कि आपको पता है NSDL पेमेंट्स बैंक जो है अपनी CSP प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं NSDL पेमेंट्स बैंक की CSP तो इस वीडियो में हम पूरी फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, पूरा फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे NSDL पेमेंट्स बैंक की यहाँ पर रिटेलर ID CSP ID लेना है तो इस वीडियो को बने रहिए। और इस वीडियो में जो आपको बताया गया है 199 आप कैसे ले सकते हैं ID 199 में, तो आपको जो है इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। जब आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अच्छे से प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और या मुझसे भी कॉन्टैक्ट करके आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं। आपको 100% 24 से 48 घंटे के अंदर में यहाँ पर जो NSDL पेमेंट्स बैंक का CSP ID आपको मिल जाएगा और आप अकाउंट ओपनिंग शुरू कर सकते हैं, किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस वीडियो में NSDL पेमेंट्स बैंक की CSP कैसे ले। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं NSDL पेमेंट्स बैंक क्या है। तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे NSDL एक पैन कार्ड प्रोवाइडर कंपनी है और NSDL पेमेंट्स बैंक जो है वो बैंकिंग सर्विसेज अलग से प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको जो RBI की तरफ से लाइसेंस दिया गया था 2016 में दिया गया था बैंकिंग का लाइसेंस, तभी से ये NSDL पेमेंट्स बैंक CSP ID जो आपको प्रोवाइड होने लगा और NSDL पेमेंट्स बैंक के नाम से इंडिया के अंदर एक पेमेंट लिस्ट का बैंक ऐड हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक इंडिया, पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और भी बहुत सारे पेमेंट्स बैंक हैं, उसी के एक लिस्ट का नाम है NSDL पेमेंट्स बैंक, ठीक है। आपको ये जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज मिल यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है और जीरो बैलेंस से आप लोग इंस्टेंट फोन पे, गूगल पे, UPI एप्लीकेशन जैसी फैसिलिटी आप लोग जो है ग्राहकों को उपलब्ध करवा सकते हैं और पैसा जो है यहाँ पे उसे ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। कोई लोग जो है यहाँ पे इंस्टेंट फोन पे, गूगल पे चलाना चाहते तो उसको ओपन करके दे सकते हैं UPI, तो इंस्टेंट UPI यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपको बेनिफिट क्या होगा CSP ID अगर आप लोग लेते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आप लोग CSP ID NSDL पेमेंट्स बैंक का लेते हैं दोस्तों तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है आपको अगर CSP ID चाहिए NSDL का तो आपको क्या करना है, और जो BusyNext के माध्यम से आपको NSDL पेमेंट्स बैंक का CSP मिलेगा। सही सुन रहे, BusyNext एक ट्रस्टेड कंपनी है और इंडिया की जो मोस्ट प्रोवाइडर CSP के लिस्ट में आती है। अगर आप लोग जो है यहाँ पे जो है BusyNext के माध्यम से लेते हैं यहाँ पर NSDL पेमेंट्स बैंक का CSP ID तो आपको 100% जो है बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलती है। इसके साथ जुड़ के आपको जो है बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर आधार से पैसा निकालना, मनी विड्रॉल करना, मनी ट्रांसफर करना, इंश्योरेंस फैसिलिटी, प्रीपेड कार्ड बनाना, यूटिलिटी बिल पेमेंट करना, मोबाइल रिचार्ज करना और एजुकेशन फीस भरना और लोन प्रोवाइड करवाना किसी को भी आप लोग चाहते हैं तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा जो एक प्रॉपर CSP में होता है बड़े ब्रांच के, वो जो है आपको BusyNext के माध्यम से मिलेगा। इसमें एक ऑप्शन रहेगा दोस्तों, पहली बार जब आप NSDL पेमेंट्स बैंक का CSP अप्लाई करेंगे तो आपको जो है रिटेलर ID जो BusyNext का मिलेगा वो 199 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे BusyNext का ID वो 199 में प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद क्या है कि आपको जो है यहाँ पर उसमें 1500 रुपये ऐड करने होते हैं वॉलेट के अंदर। वॉलेट के अंदर ऐड करिएगा तो आपका जो है यहाँ पर NSDL पेमेंट्स बैंक CSP ID जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही BusyNext के पोर्टल में जाके लॉग इन करके यहाँ पे 1500 रुपये ऐड करते हैं फिर वहाँ पर जो एक BC मर्चेंट एक्टिवेट का ऑप्शन आता है, अकाउंट एक्टिवेशन, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप लोग जो है BusyNext के माध्यम से NSDL पेमेंट्स बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों बैंक की आपको CSP मिल जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो है आधार OTP से अकाउंट ओपन होता है अभी फिलहाल, ये जो है यहाँ पर जो है इस पर काम चल रहा है, जल्दी ही फिंगर से भी ओपन होने लगेगा। NSDL पेमेंट्स बैंक का दोस्तों यहाँ पे बायोमेट्रिक, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो या ना हो, बायोमेट्रिक लगा के किसी भी ग्राहक का आप लोग जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो इसमें इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है, पहले जो आप ग्राहक से चार्ज लेते हैं फर्स्ट टाइम, यहाँ पर जो इसके बाद लाइफ टाइम फ्री हो जाता है, ठीक है। लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो पेमेंट्स लगता है दोस्तों 354 रुपये, ठीक है, मात्र 354 रुपये यहाँ पर जो कोई भी ग्राहक डाल के इसमें जो उसका जो डिटेक्ट हो जाएगा पेमेंट, उसके बाद जो है उसका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और फिजिकल ATM कार्ड जो उसके घर पे आ जाता है, ठीक है। उसमें इंश्योरेंस भी रहती है 5 लाख की, उसी का जो ये फीस लेते हैं लाइफ में एक बार 354 रुपये आपसे लेंगे, उसके बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँ जीरो बैलेंस तो ये अकाउंट रहेगा NSDL पेमेंट्स बैंक का, लेकिन ग्राहक का जो है यहाँ पर 354 रुपये पहले उसमें डिटेक्ट हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर 354 रुपये
है उसका जो है यहाँ पे लगने वाला है अकाउंट ओपनिंग के लिए, ठीक है। तो आपको जो ये डाउट क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी के बारे में। तो डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी है आपका एज जो है वो 18+ होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब डॉक्यूमेंट है आपके पास तो 100% आप एलिजिबल है NSDL पेमेंट्स बैंक की CSP आईडी लेने के लिए। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कैसे लीजिएगा, देखिए दोस्तों आपका जो है मेरा जो नंबर है दोस्तों वो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप मुझे इंस्टा आईडी यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है इस पे आपको मुझे जो है टैग कर देना और यहाँ पे फॉलो करके मुझे बता सकते हैं। नहीं तो अन्यथा जो लोग जो है यहाँ मुझसे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बिजी नेक्स्ट का आईडी जो हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको 199 पहले पेमेंट करना होता है। डॉक्यूमेंट आप सेंड करिएगा और मुझे 199 का पेमेंट करिएगा तो मैं आपको आईडी क्रिएट करके दे दूंगा, ठीक है। इसमें कोई भी फ्रॉड वाला बात नहीं, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तभी इस वीडियो को देखिए और तभी आप जो है मुझ पर भरोसा करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको NSDL पेमेंट्स बैंक की CSP आईडी वाकई में लेनी है, इंटरेस्टेड है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा कि आपको जो है ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड।